एज यू ऑल्सो नो कि जो आपका प्रीलिम्स है उसमें दो पेपर्स होते हैं. पहला पेपर जो आपका होता है वो आपका जीएस का होता है एंड सेकेंड इज योर हेलो एवरीवन, आई एम निकिता सारस्वत, करियर साइकोलॉजिस्ट एट प्लूटिस आईएएस. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसैट पेपर के बारे में. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूपीएससी है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. उसी एक स्टेज का एक पार्ट है हमारा सीसैट. हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका सीसैट पेपर क्या है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या आपकी मार्किंग स्कीम्स हैं, सिलेबस और कौन सी बुक्स आपको इसके लिए रिकमेंड करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद इट वन बाय वन. अगर हम पहले बात करें तो सीसैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट होता है. एज यू ऑल्सो नो कि जो आपका प्रीलिम्स है उसमें दो पेपर्स होते हैं. पहला पेपर जो आपका होता है वो आपका जीएस का होता है एंड सेकेंड इज योर सीसैट. और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं मेनली इस पेपर को क्या कहते हैं, जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर टू. ऑलराइट, तो आपका अगर हम बात करते हैं अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, जीएस पेपर सेकंड कहते हैं. राइट, अगर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के मेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो जो जीएस पेपर आपका टू है वो आपका एक्चुअल में पॉलिटी का होता है. तो इस डिफरेंस को आप समझिए. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या एडवाइस किया जाता है कि आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है बाकी उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं उसमें आपको सी सेट को क्या करना है, ऐड करना ही करना है. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड. सो सी सेट जो है वो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है. रीजन बीइंग दैट कि अगर हम प्री की बात करें तो आपको सेपरेटली इसमें अपना एक मिनिमम मार्क्स को सिक्योर करना पड़ता है जो कि आपका जरूरी है. अगर आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेन्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. तो अगर हम सी सेट की बात करें तो अर्लियर आपका ये नहीं था, 2011 से पहले, 2011 के बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया. मेनली आपका सी सेट जो है वो किसी भी कैंडिडेट की एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए होता है. और आपका इसे क्या कहते हैं, ऑफिशियली हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर सेकेंड कहते हैं. अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करती हूँ सी सेट में तो आपके इन टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं सी सेट में. सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप या फिर हम जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स वो होते हैं. अलोंग विद दैट अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की तो यस, नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3 मार्क्स जो भी आपका टोटल मार्क्स है, एक्चुअल में 2.5 है तो फॉर ईच करेक्ट आंसर उसमें से आपको 1/3 क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है अगर आप गलत करते हैं आंसर. टाइम जो इसके लिए दिया जाता है वो 2 आवर्स है. ये सेपरेट पेपर होता है उसी के साथ एक ही दिन पे, सेम डे पे. आपका मेजरली जो हमारा ये एग्जाम का टाइप है वो ऑफलाइन है. राइट, लैंग्वेज जो रहती है वो इंग्लिश हिंदी रहती है और जो मार्क्स हैं आपके वो 200 है. राइट, सी सेट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है. 33% आपको सिक्योर करने पड़ते हैं. अगर मैं बात करूँ 200 का, अगर हम 33% की बात करते हैं तो वो आपका इवेंचुअली कितना होता है, 66 मार्क्स. मतलब आपको मिनिमम 66 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए ताकि आप इसे क्वालिफाई कर पाए. अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ कि कैसे मार्क्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, 2.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे. राइट, तो इन टोटल आपको जो पूरा पेपर बनता है वो 200 मार्क्स का हो जाता है. राइट, और अगर आप इन केस कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है आपका, 0.83 मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे. अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका ना ही कोई डिडक्शन होगा ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेंगे. राइट, अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें इनिशियल मेजरली अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो इसमें क्या रहता है, आपका मैथ्स है, अलॉन्ग विद दैट आपका रीजनिंग है, उसके अलावा क्या होता है इसमें, आपका लैंग्वेज होता है. इसी को अगर हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश करें तो कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं इंक्लूडिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरल मेंटल एबिलिटी है.
बेसिक न्यूमरेसी है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, जैसे लाइक चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, आपके टेबल्स हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गई. लेकिन इसका जो लेवल रहता है इट इज लाइक ओनली अप टू योर 10th लेवल. अगर हम बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन सी सेट के लिए पर्टिकुलरली कैसे करनी चाहिए, तो मेजरली रिकमेंड ये किया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे रिलाई करें. तो प्लूटस IAS आपको बुकलेट प्रोवाइड करता है जिसमें आपका कंपाइलेशन होता है 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का. अलॉन्ग विद दैट अगर आप सेपरेटली कोई बुक लेना चाहते हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल को ले सकते हैं. मेनली आपका अगर मैं सी सेट की बात करूं तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जाएंगे तो आपको पूरा पूरा उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेजरली जो ट्रेंड रहता है दैट विल रिमेन सेम. थैंक यू सो मच फॉर लाइक वॉचिंग द वीडियो. एंड एक और मेजर इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, दैट कि हम एक बैच स्टार्ट करेंगे सी सेट के लिए पर्टिकुलरली. तो जो आपका डेट रहेगा वो रहेगा 12th December, एंड जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 2 PM to 4 PM रहेगी. इस बैच में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद दैट जो भी आपका थ्रू आउट द सिलेबस है वो सारी चीज़ें आपकी इस बैच में कवर की जाएगी. ये आपका क्रैश कोर्स रहेगा 3 to 4 months का आपको गाइड करने के लिए. सो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी मेल ID पे या फिर हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते. Thank you so much for watching the video.